ऑल माय ब्यूटीफुल लवली लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिन के बाद मैंने अपना व्लॉग बनाया है, सो आज मैं अपने व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूंगी एक स्पेशल डिनर मेन्यू जो मैंने अपने फैमिली के लिए बनाया था वीकेंड पर। ऑल यू गाइज नो दैट कि ओबेसिटी और वेट को कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है एज के साथ। तो मैंने स्टार्ट की है एक इंटरमीडिएट फास्टिंग और मेरे हबीबी कर रहे हैं, तो वीक में एक मर्तबा तो कुछ स्पेशल होना ही चाहिए, स्पेशली फॉर फूड लवर्स। तो मैंने वीकेंड पर एक डिनर अरेंज किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने एक फैमिली और क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, बारकल्लाहु फीकुम। सो गाइस देखिए, डाइटिंग का नाम आते ही हमारे माइंड में ही बहुत कुछ आ जाता है। सबसे पहले ये कि खाना छोड़ देना है, जी बिल्कुल नहीं, आज यही कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस देखिए, होम मेकर्स के लिए स्पेशली ये बहुत ही आसान होगा इंशाल्लाह। जरूर मेरी वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में, और लेट मी टेल यू वन थिंग कि इंटरमीडिएट फास्टिंग गेटिंग सो मच अटेंशन ऑन इंटरनेट, क्योंकि आपको पता है ओबेसिटी कितना आम हो चुकी है। सो बेसिकली इंटरमीडिएट फास्टिंग एक हेल्थी लाइफस्टाइल लिविंग को कहते हैं, जो हम जिससे हम एक स्केड्यूल फॉलो करते हैं जिससे हमारे खाने में काफ़ी तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से हम आराम से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ये एक ड्रास्टिक चेंज का नाम नहीं है कि डाइटिंग हमारे जहन में आते ही हम बस यही सोचते हैं कि बस हमें खाना रोक देना है टोटली और फिर हम जल्दी से दुबले हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पहले जिस तरह धीमे धीमे हमारा वेट गेन हुआ था, इसी तरह एक हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करने से धीरे धीरे हमारा वेट लॉस भी होगा इंशाल्लाह। सो गाइस, इंटरमीडिएट फास्टिंग में दो तरह के विंडोज होते हैं। इसका मतलब होता है कि 16:8, यानी अगर आप रात का खाना 10 बजे खाते हो तो आप कोशिश करें कि 7 बजे खा ले, और अगर आप सुबह का खाना 11-10 बजे ऐसा कुछ खाते हैं तो कोशिश करें कि वो 12 बजे खाएं नाश्ता। तो इससे होता यह है कि रात में 7 बजे से हम सुबह 12 बजे तक कुछ हेवी फूड्स नहीं लेंगे, और अगर रात में 7 बजे खाने के बाद आपको अगर भूख महसूस हो तो आप 1 कप कर्ड में पानी ऐड करके उसको अच्छा पतला सा छाछ की तरह बनाकर ले सकते हैं। तो आप इसे लिक्विड फॉर्म में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सॉलिड आपको कुछ नहीं खाना होता है। तो इस तरह 16:8 का हमारी एक विंडो क्रिएट होती है कि 16 आवर्स का हमारा फास्टिंग हो जाता है, और 8 आवर्स का हम एक हेल्थी डाइट लेकर हमारी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, हम रमज़ान में पूरा 1 महीना रोज़े रखने का अहतमाम करते हैं, और रोज़े रखने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं ये भी हमें मालूम है। हम रोज़ा रखने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है और हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, और सबसे ज़्यादा पूरे हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो सारे रिन्यू हो जाते हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह, बैड टॉक्सिन्स वगैरह जो भी होते हैं वो सब चले जाते हैं रोज़ा रखने से। ये सारे रोज़े रखने के फ़ायदे हैं, और स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम हो जाता है हमारे रोज़े रखने से, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन बात भी है, और दिमाग को भी एक किस्म का सुकून मिलता है। लेकिन आपने नोटिस किया है कि ये क्यों होता है? रोज़े में हम बात कम करते हैं, खाते कम हैं, इबादत ज़्यादा करते हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। एज यू नो दैट के अला बिज़िक्रिल्लाह वततमाइनुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह ताला ने दिलों का सुकून, जहनों का सुकून उसकी याद में, उसकी इबादत में रखा। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी यही है कि फास्टिंग इज टू ईटिंग, यानी कि हमें 16 आवर्स मैक्सिमम रोजे की तरह गुजारना है, और 8 आवर्स हमें अच्छी हेल्थी डाइट लेनी है। इससे हमारे लाइफ स्टाइल में काफ़ी चेंज आएगा, और मेरा सजेशन तो स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कि आप जब अच्छा रहोगे, आप जब हेल्थी रहोगी, तभी आप आपकी फैमिली की टेक केयर कर सकती हैं। हम अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिलता अपने लिए, वक्त देने के लिए। तो प्लीज ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज मच एज यू कैन। जी सिस्टर्स, देखिए इंटरमीडिएट फास्टिंग का सेकेंड मेथड ये है कि ईट स्टॉप ईट। इस मेथड में आपको करना ये होता है कि आपको 5 डेज हेल्थी डाइट लेनी होती है और 2 डेज फास्टिंग करनी होती है, यानी कि 5 डेज हेल्थी डाइट के साथ 2 डेज हमें रोज़ा रखना होता है। अगर आप चाहे तो कंप्लीट रोज़ा ना रखते हुए जूसेस वगैरह भी ले सकती हैं, बट अवॉइड करें कि आप हैवी कुछ सॉइलेड वगैरह लेना थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं स्पेशली इस डाइट को उन लड़कियों को रिकमेंड करूँगी जो चाहती हैं कि अपना वेट लॉस जल्द से जल्द करें, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी है, और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इससे मदद हुई है। मैं जब ये स्टार्ट कर रही थी, मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ मालूम किया, जिससे मुझे पता चला कि सर्वे के मुताबिक लोग को 16:8 से बनिस्बत 5:2 से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़े में खाना वगैरह कम हो जाता है, बिल्कुल होता ही नहीं है, तो इस वजह से वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और जैसा हम सब जानते हैं, रोज़ा रखना
एक सुन्नत भी है और रोज़े के फ़ायदे भी क्या है ये सब भी आपको पता ही होगा। वन वीक ऐसा स्केड्यूल फॉलो करने से वीक में एक मरतबा तो हम कंप्लीट मील भी ले सकते हैं नॉन वेज के साथ, और इससे हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी हमारी इंशाल्लाह, और लाइफस्टाइल में मेजर चेंज आएगा ये आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। और आप कोशिश करें कि इसके साथ आप 20 मिनट वॉक भी करें। ये बिल्कुल सिंपल सा डाइट प्लान है जो आप आसानी से आपके घर में जो अवेलेबल आप जो रूटीन में पकाती हैं उसके साथ ही आप इसे स्टार्ट कर सकती हैं, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि दूसरों को भी इससे मदद मिले। और हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ये एक रूटीन हुआ करती थी कि वो हर पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। ये एक सुन्नत भी है हमारे लिए और इससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा वेट लॉस में सेहतमंद रहने के लिए भी आसानी हो जाएगी। देखिए अगर हम दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करते जाएं और अगर हमारी ज़िंदगी को सुन्नतों के मुताबिक ढालते जाएं तो इससे हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगी और आखिरत भी इंशाल्लाह ताला। तो अपनी हर दुनियावी चीज़ को आखिरत से ज़रूर जोड़ते जाएं ताकि हमारी ज़िंदगी में आसानी हो और हमारी दुनियावी परेशानियां मुसीबतें भी अल्लाह ताला राहतों में बदल दे। और क्या आप सबने एक बात नोटिस की है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान में रोज़ों के इबादतों के ज़रिए भी हमें जिस्मानी तौर पर कितना सेहतमंद होने के लिए और कितना फ़ायदा पहुँचाने के लिए हमें रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। तो ये बात से एक कीन ऑब्जर्व अगर कोई कर रहा है तो ये ज़रूर महसूस करेगा कि ज़ाहरी तकलीफ अगर हम कभी महसूस हो रही है, अगर हम कभी महसूस कर रहे हैं, मुश्किल अगर हमें पेश आ रही है, जैसे अब हम हैं हाउसवाइफ से रोज़ा रखते हैं और फिर हमें सारे काम भी करने पड़ते हैं, घर भी मेंटेन करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना होता है, उसके बावजूद हम इतनी तकलीफ़ों से रोज़ा रखते हैं तो बेशक अल्लाह ताला ने उसका अजर व सवाब भी बहुत रखा है और उसके साथ साथ आपको इंटरनल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। देखिए जो चीज़ ज़ाहरी तौर पर आपको तकलीफ दे रही है वो इंटरनली आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ये सिर्फ आप नहीं जानते अल्लाह ताला बेशक जानते हैं। जाहिर ही आपको तकलीफ तो हो रही है लेकिन आपके हक में वो बेहतर ही है। हम इसको हमारे लाइफ के बहुत चीजों से रिलेट कर सकते हैं, राइट, ताकि हमारी जिंदगी में आसानी हो और हमारी दुनियावी परेशानियां मुसीबतें भी अल्लाह ताला राहतों में बदल दे, क्योंकि हम उसी के सामने झुकना है, उसी से ही मांगना है, तो फिर वही देने वाला है, तो फिर हमें उससे दूरी अख्तियार करके हम कैसा अपनी ज़िंदगियों में सुकून ला सकते हैं सोचिए ज़रूर। हमें अल्लाह ताला की इन नेमतों के बदले अल्लाह ताला को सिर्फ एक शुक्रगुजारी का सजदा करना है और एक दिल से इखलास से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी है और बस अल्लाह ताला से और इस्लाह वाले और एक सीधे सिरात मुस्तकीम पर अल्लाह हमें चलाएं, बस यही दुआ करते जानी। बस आप सबसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी पर्सनली कि अपने हस्बैंड्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें अगर किसी को सजदे का हुक्म दिया होता तो वो शौहर होगा। जिंदगी में शिकवे शिकायतें मुसीबतें तकलीफें आनी और जानी है, बस कोशिश करें कि जो है अपने पास उसमें अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के साथ उसी में खुश रहकर वो लम्हों को अच्छे से जिया करें। आपके घर में ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आने पर ही हम एक अच्छा स्पेशल एनवायरमेंट रखें। आप ऐसा भी कर सकते हैं आपके बच्चों के साथ आपके हस्बैंड के साथ आप वीकेंड पर या 15 डेज में एक मरतबा या मंथ में एक मरतबा या कुछ स्पेशल तो हर घर में बनता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसे अच्छे बर्तनों में डिश आउट करें, फिर अच्छा सा अरेंज करें बच्चों के साथ लेकर, एक अच्छा एनवायरमेंट बनाकर अच्छा माहौल बनाकर वो लम्हों को अच्छे से जिया करें, क्योंकि वक्त बच्चों के साथ हम जो जी रहे हैं वो गुजर रहा है, आगे जाकर बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। कोशिश करें कि हर वक्त को मेमोरेबल बनाएं और तकलीफों को कमियों को महसूस करते जाएंगे तो हमारे अंदर शुक्रगुजारी कम हो जाएगी। ये एक पर्सनली एक्सपीरियंस बात है मेरी। कोशिश करें, हर चीज इंसान जब गुजरता है तभी सीखता है, तो फिर मैंने भी ऐसे कुछ लम्हात से गुजर कर ही बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। तो उम्मीद है आप सबको भी मेरी कुछ बातों से कुछ टिप्स मिले होंगे, तो जरूर इम्प्लीमेंट करें और एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हम सब के घरों में खुशियों में बरकतें रिस्क में बरकतें दे, आमीन। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और कुछ भी मेरी वीडियो से सीखने को मिला हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बता दें। मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है कि किसी ना किसी की ज़िंदगी में एक बदलाव आ रहा है। अगर आप कोई एक चीज़ भी मेरी वीडियो के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाती हैं तो इंशाल्लाह मैं भी उस अजर व सवाब का हिस्सा बनूंगी। बस यही मकसद है कि हर कोई अपनी रूटीन की एक नॉर्मल ज़िंदगी में अच्छा कैसे जी सकते हैं स्केड्यूल्स फॉलो कर, बस यही मेरा एक कोशिश और एक जज्बा है कि हर हाउसवाइफ अपनी ज़िंदगी को एक नई तरीके से ढाले और जिए, और मैं अपनी कोशिश पूरी करती जाऊँगी इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह मुझे कामयाबी भी ज़रूर देंगे। तो इंशाल्लाह फिर लौटूंगी अपने एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त।
इजाजत और अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।